दुनिया में अगर कोई पाप है तो वह निर्बलता है। निर्बलता का त्याग करो। निर्बलता पाप है, निर्बलता मृत्यु है। सत्य की कसौटी यह है, कोई भी वस्तु अगर तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से निर्बल बनाती है तो उसे विष समझ उसका त्याग करो। उसमें कोई जीवन नहीं है और यह सत्य कभी नहीं हो सकती। आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो आप सबों को। क्या थे, क्या हैं, क्या होंगे अभी, क्या थे, क्या हैं, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्या सभी। गुप्त जी की इन पंक्तियों के साथ हम कहानी को आज आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपके बीच में हैं 1920 ईस्वी के अगस्त माह में शुरू हुए आंदोलन, असहयोग आंदोलन की कहानी के साथ। अगस्त के महीने में ही आज़ादी मिली, अगस्त के महीने में ही काकोरी षड्यंत्र, काकोरी कांड हुआ, अगस्त के ही महीने में ही शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन की। गांधी जी अफ्रीका से 1915 ईस्वी में अस्थायी तौर पर भारत आ गए। भारत आने के बाद उन्होंने 1916 ईस्वी में साबरमती के किनारे अहमदाबाद में एक आश्रम बनाया, जो कालांतर में साबरमती आश्रम से ही प्रसिद्ध हुआ। फिर उसके बाद भारत का उन्होंने दर्शन किया, भारत भ्रमण किया, और इस बीच में अंग्रेजी हुकूमत की जो गतिविधियाँ थी उससे जो असंतोष भारत में था, इसे देखने और समझने का उन्हें अवसर मिला। चंपारण, खीरा, अहमदाबाद, इन यात्राओं से असली जो चेहरा था अंग्रेजी सरकार का, वो गांधी जी के नज़र के सामने आ ही रहा था कि उसका सबसे विभत्स रूप रॉलट एक्ट, और रॉलट एक्ट के विरोध करने के कारण जो जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ, इससे सामने आ गया। इस चेहरे के साथ ही गांधी जी ने ठाना कि अब इस सरकार को किसी तरीके का सहयोग नहीं किया जाए। उन्होंने भारत भ्रमण के दौरान महसूस किया था असंतोष सबके हृदय में कहीं ना कहीं पनप रहा है, चाहे वो किसान वर्ग हो या मजदूर वर्ग हो, श्रमिक वर्ग हो, यहाँ तक कि जमींदार वर्ग हो, सबके अंदर कहीं ना कहीं से असंतोष था। गांधी जी ने उसे एक सह देने की कोशिश की, उसे सहारा देने का प्रयास किया, और इस क्रम में ही उन्होंने ठाना कि इस हुकूमत के साथ सहयोग नहीं करना है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। गांधी जी के अनुरोध पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कोलकाता में बुलाया गया। इस कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। कांग्रेस के समक्ष गांधी जी ने यह प्रस्ताव रखा। गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन का जो प्रारूप था, इस पर कई नेताओं के मतभेद हो गए कोलकाता में, लेकिन बाद में चलकर जब इसका वार्षिक अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ, दिसंबर महीने में, ध्यान में रखना है कि सितंबर महीने में हुआ था कोलकाता में विशेष अधिवेशन, और वार्षिक अधिवेशन या नियमित अधिवेशन हम कह सकते हैं, वो अधिवेशन हुआ नागपुर में दिसंबर 1920 ईस्वी में। तो मतभेदों से ऊपर उठकर कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि असहयोग को सहयोग देना चाहिए। असहयोग को सहयोग देने की केवल कांग्रेस ने ही नहीं ठानी, खास बात थी उस समय जितने क्रांतिकारी गुट थे भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, उन्होंने भी गांधी के असहयोग को साथ दिया, और इस प्रकार से असहयोग आंदोलन जो अगस्त 1920 ईस्वी से आरम्भ किया गया, 1921 ईस्वी आते आते पूरे भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों में मानो फैल चुका था। असहयोग के दो स्वरूप थे, एक था नकारात्मक विरोध करने जैसा, और दूसरा था रचनात्मक, चरखा चलाना, सूती वस्त्र काटना, अपने ही सिले हुए, अपने ही काटे हुए धागों से सूती जो सॉरी खादी का जो सूत होता है, खादी के सूत को से वस्त्र बनाना, पहनना, ये रचनात्मक थे। वही सरकारी स्कूल का त्याग करना, सरकारी नौकरी का बहिष्कार करना, सरकारी विदेशी वस्त्रों को की होलिका जलाना, ये सब नकारात्मक रूप थे। इस प्रकार से दो रूप से गांधी जी ने असहयोग को शुरू किया। मालाबार के तट पर
मुसलमान का एक वर्ग जिसे मोपला कहते हैं, उनका विरोध चल रहा था हिंदू जमींदारों के विरुद्ध। तो इस तरीके से वो एक तरह से समझा जा सकता है कि साथ साथ चलने वाला था। इसके बावजूद भी मुसलमानों के एक बड़े वर्ग का असहयोग को साथ मिला, असहयोग का को समर्थन दिया। एक और आंदोलन साथ साथ चल रहा था, खिलाफत आंदोलन। तो इस तरीके से देखा जाए भारतवर्ष में ये जो दौर था वो आंदोलन का था। गांधी जी ने नागपुर अधिवेशन में एक जो अपनी ओर से जो प्रस्ताव रखा था, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था आंदोलन का रूप पूर्ण अहिंसक होगा, हम सत्याग्रह और अहिंसा के साथ स्वराज की मांग करेंगे। अब तक कांग्रेस की जो मांग थी वो संवैधानिक और विधिक रूप से स्वशासन की मांग थी। गांधी जी के आग्रह पर कांग्रेस ने अपना स्वरूप बदला और अहिंसा और सत्याग्रह के आधार पर स्वराज की मांग को अपना एजेंडा बनाया। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के देवरिया के चौरी चौरा नामक स्थान पर, 1922 में अभी हमें 100 साल अभी पूरे हुए हैं, 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाने में आग लगा दी जाती है। भीड़ जो उत्साही थी, उत्साही भीड़ पता नहीं कैसे उन्मादी हो गई और उत्साही भीड़ ने एक थाने में आग लगा दिया जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। अहिंसा का पुजारी अपने आंदोलन को जब हिंसात्मक होते देखा तो उन्होंने इसे वापस करने की सोची। इसे थोड़ा सा पहले हम चलते हैं, 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने एक घोषणा की थी कि अगले 7 दिन तक यदि हुकूमत ब्रिटानी हुकूमत हमारे राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं करती है तो हम तो एक जो कर न अदायगी का आंदोलन शुरू करेंगे, कर न अदायगी के साथ साथ बहिष्कार के रूप और बड़े हो जाएंगे, ये उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन इस बीच में ही 5 फरवरी को ये घटना घट जाती है और इसके बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया और इसके बाद उन्होंने कहा इस क्रम में रचनात्मक गतिविधियां जारी रहेगी। रचनात्मक गतिविधियां हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना, जो छुआछूत जैसे विषय जो सामाजिक विद्वेष है इसको दूर करना, हर वर्ग को भारत के जो आंदोलन हो या भारत के निर्माण के लिए जोड़ना, ये रचनात्मक गतिविधियां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से गांधी जी ने अपील की कि ये जारी हम रखेंगे। परंतु जब इन्होंने असहयोग को वापस ले लिया तो भारत में इसका जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे उनमें इसका विरोध शुरू हुआ। खास बात ये थी गांधी जी के बहुत निकटतम जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने भी इसका विरोध किया। चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस ने तो मुखर होकर इसको कहा और सुभाष बाबू ने तो यहाँ तक कह दिया कि महज कुछ लोगों के भूल से, महज कुछ लोगों की कुछ जो चूक हुई है उससे इस आंदोलन को स्थगित कर देना राष्ट्रीय अपराध जैसा है। और इस प्रकार से असहयोग स्थगित हो गया। लेकिन असहयोग के बाद जो क्रांतिकारी गुट सब जिन्होंने कि असहयोग को समर्थन किया था, उन्होंने अपने तरीके से आंदोलन को तेज कर दिया। हम उपस्थित होते रहेंगे, भारत को आज़ादी कैसे मिली, आज़ादी की कहानी कैसी रही, इसमें प्रमुख आंदोलन कौन कौन से थे, इसके साथ बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।